अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और इसलिए जाहिर सी बात है कि टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा हैं और इसलिए इनमें से एक प्रत्याशी का चयन करना यकीनन बहुत चैलेंजिंग है। वहीं पांडे ने कहा कि अक्टूबर में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जरूर जारी कर देंगे। पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश ठांगे ने। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई, करीब ढाई घंटे ये अहम बैठक चली और जिसमें सभी नेताओं ने टिकट वितरण और अन्य मुद्दों को लेकर अपनी अपनी राय दी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। सर, कई लोगों ने अच्छी राय दी कि ना तेरा ना मेरा और कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद को बताओ और टिकट के लिए दावेदारी, इस तरह की बात। आमतौर पर मैं समझता हूँ कि करीबन 48 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही सकारात्मक और अपने अनुभव से इस चुनाव में सुनिश्चित तरीके से कांग्रेस की जीत कैसे हो सकती है और उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होना चाहिए उसका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन और अपने सुझाव इस मीटिंग में उन्होंने दिए हैं। चुनकर आने की क्षमता, ये सबसे पहला क्राइटेरिया कैंडिडेट का होगा। पूरी समिति ने एक मत से प्रस्ताव माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के पक्ष में और उन पर पूरा जिम्मेदारी सौंपी है कि जो भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उसको जिताने की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी। शैलजा जी ने साफ कहा कि दावेदार और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, ये भी एक चुनौती है। निश्चित रूप से ये आज की तारीख में ये एक सकारात्मक चिन्ह भी है, लेकिन इसी के साथ साथ में जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की और बढ़ गई, क्योंकि जब दावेदारी ज़्यादा लोग करते हैं उसमें कई सक्षम और वाकई में बराबरी के ताकत वाले उम्मीदवार हैं। लेकिन पार्टी का मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, एक प्रभारी के रूप में भी और बड़ी जिम्मेदारी तरीके से, कल जब सरकार बनती है और वो लोग जो आज बराबरी के उम्मीदवार हैं लेकिन चुनाव जिताने में अगर पूरा सहकार्य करते हैं और एक सकारात्मक भूमिका अगर निभाते हैं तो निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो उन्हें मान सम्मान और साथ में उचित जिम्मेदारी देने की गारंटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लेगी। सर, 12 नवंबर से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में टिकटों की जो है लिस्टें निकालनी है। निश्चित रूप से, इसीलिए आज आपने देखा कि कल राहुल जी का कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। उद्देश्य यही है कि ये प्रक्रिया को हम जल्द से जल्द पूरा करें और गंभीरता के साथ पूरा करें। इसमें से खाना पूर्ति नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरे एक एक मेंबर से बात करके कैंडिडेट का चयन जो है पूरा जाँच पड़ताल करके ही किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लिस्ट 2 नवंबर से पहले, काफ़ी पहले दे देंगे। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ दिनेश ढांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।